नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको घेवर बनाना बताऊंगी। घेवर ये राखी के त्यौहार पर इस पर स्पेशल हलवाई की दुकान पर आपको स्पेशल मिल जाएंगे। राखी भी है और सावन का महीना भी चल रहा है। घेवर बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 3 कप मैदा लिया है, चिल्ड वाटर लिया है। ये फ्रिज का चिल्ड वाटर होना चाहिए या फिर बर्फ के टुकड़े होने चाहिए। 1 कप दूध लिया है चिल्ड, यह भी, और हमने 1/2 कप घी लिया है। और चाशनी बनाने के लिए इसमें 2 कप हमने चीनी लिए और गार्निशिंग के लिए हमने बादाम के टुकड़े लिए हैं। और ये चिल्ड पानी हम यूज़ करेंगे। घेवर निकालने के लिए हम इसमें घेवर निकालेंगे। अब हम घेवर बनाना स्टार्ट करेंगे, इसका बैटर बनाएंगे। अब दोस्तों, इसमें सबसे पहले हम घी डालेंगे। ये हमने 1/2 कप घी लिया है। अब हम इसमें बर्फ के 1-2 स्लाइस डालेंगे और चिल्ड वाटर इसमें हम ऐड करेंगे। अब हम इसको चलाएंगे। ये देखिए दोस्तों, ये इस तरीके से हमारा घी का और बर्फ का बैटर बन गया है। ये देखिए दोस्तों, अब हम इसमें हमारा मैदा ऐड करेंगे। थोड़ा थोड़ा करके हमें इसमें मैदा डालना है। इसमें हम हमारा चिल्ड मिल्क ऐड करेंगे। अब हम इसको फिर से चलाएंगे। इसको लगातार नहीं चलाना है, बीच बीच में रुक रुक के हमें इसको चलाना है। ये देखिए दोस्तों, ये हमारा बैटर बन गया है। हमें इसमें ये देखना है कि इसमें लम्स नहीं पड़ने चाहिए। अब ये लास्ट में हमारा बचा हुआ जो मैदा है, ये भी हम इसमें डाल देंगे। और अब इसको हम लगातार नहीं चलाते हुए 2-2 मिनट रुक करके, और इसको हम 10 या 15 मिनट तक लगातार चलाएंगे, लेकिन बीच बीच में हमें रुकना है। ये हमने कम से कम भी 10-15 मिनट हमने इसको चलाया है। बीच में 2-2 सेकंड का गैप दे दे के हमने चलाया है इसको। ये हमारा बैटर रेडी है। ये देखिए, इसको ये देखना है कि इसमें लम्स ना पड़े हैं। देखो, बिल्कुल भी लम्स नहीं पड़े हैं। अब हम इसको एक बड़े से प्याले में डाल देंगे। ये देखिए दोस्तों, बिल्कुल भी लम्स नहीं पड़े हैं। हमें ध्यान ये रखना है कि ये चिल्ड ही रहे, इसके लिए हम इसमें बर्फ के 2-4 टुकड़े बीच में डाल देंगे। ये देखिए दोस्तों, ये हमारा बैटर रेडी है। इस बैटर में हम, ये चिल्ड रहे इसलिए इसमें हम बर्फ का 1 टुकड़ा डाल देंगे। ये देखिए, बिल्कुल लम्स नहीं है बैटर में। अब हम घेवर बनाना स्टार्ट करेंगे। घेवर बनाने के लिए मैंने एक भगोनी में तेल,
रिफाइंड तेल भी आप ले सकते हो और घी भी ले सकते हो। घी से घेवर बहुत टेस्टी बनता है। ये मैंने घी लिया है, घी इतना लेना है, आधा भगोनी नहीं लेना है, आधी भगोनी से ऊपर लेना है ताकि घेवर अच्छे से सिक सके। अब हम इसमें बैटर डालेंगे अपना। बैटर एक साथ नहीं डाला जाता है, बीच में से डाला जाता है। पहले हम हल्का सा डाल के ट्राई करेंगे कि हमारा जो घी है वो हुआ के नहीं। तो देखिए दोस्तों, घी हमारा हो गया है। अब हम इसमें बीच में बैटर डालेंगे। बीच में इस तरीके से बैटर डाला जाता है। अब ये झाग बैठ नहीं जाए जब तक हम इसको दोबारा से बैटर नहीं डालेंगे। ये देखिए दोस्तों, ये हमारा झाग बैठ गया है। अब किसी डंडे की सहायता से हम बीच में एक होल कर देंगे ताकि यहाँ पर हम अपना बैटर डाल सकें। ये देखिए दोस्तों, इस तरीके से बैटर डाला जाता है। आंच को हम तेज ही रखेंगे ताकि हमारा घेवर अच्छे से सिक जाए। ये देखिए दोस्तों, ज्यादा एक साथ नहीं डालना है, नहीं तो ये झाग भगोनी से बाहर आ जाएंगे। तो बीच में हमें होल करते जाएंगे। आंच को तेज ही रखेंगे। ये देखिए दोस्तों, ये देखिए दोस्तों, झाग हमारे बैठ गए हैं। अब हम और डालेंगे। घेवर बनाने में बहुत पेशेंस की जरूरत होती है। यह आसान भी बहुत है बनाने में और कठिन भी है, और लेकिन हम इसे आसानी से बना सकते हैं। ये देखिए दोस्तों, झाग बैठ रहे हैं। अब हम और डालेंगे। बीच में होल कर देंगे। जितना मोटा आपको घेवर बनाना है उतने चमचे आपको बेसन इसके डालने हैं बैटर पे। ये देखिए, बैटर ना तो गाढ़ा है ना ज्यादा पतला है। इस तरीके का बैटर तैयार करना है, बिल्कुल स्मूथ चिकना एकदम, एक भी लम्स इसमें नहीं रहना चाहिए। ये देखिए दोस्तों, झाग हमारे बैठ चुके हैं। ये देखिए दोस्तों, ये झाग हमारे बीच में होल कर देंगे। अब हम और थोड़ा सा बैटर डालेंगे। ये हमारा घेवर लगभग बनके तैयार है दोस्तों। अब हम इसको निकालेंगे दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, अब इसको हम आहिस्ता आहिस्ता नीचे करेंगे किनारों पे से ताकि ये आसानी से पूरा सिक जाए, कच्चा ना रहे। ये देखिए दोस्तों, ये देखिए, अब हम इसको बाहर निकालेंगे। मैंने एक नीचे, आप थाली ले सकते हो, उसके ऊपर एक जाली लगा दीजिए ताकि जो हम घेवर रखेंगे तो एक्स्ट्रा जो ऑयल और घी है वो नीचे आ जाए। अब हम हमारा आंच को सिम कर देंगे और हमारा घेवर निकालेंगे। ये देखिए दोस्तों, कितना अच्छा घेवर बन के तैयार हुआ है। ये देखिए कलर, देखिए आप, ये देखिए इस तरीके से पूरा घी निकल जाए। उसके बाद में हम इसको स्टैंड पे निकालेंगे। ये देखो जाली कितनी अच्छी आई है, कितना परफेक्ट हमारा घेवर तैयार हुआ है बनकर दोस्तों। ये देखिए, अब हम इसको, ये अभी बहुत सॉफ्ट है, आपको बहुत ध्यान पूर्वक इसको स्टैंड पे रखना होगा। ये देखिए दोस्तों, ये हमारा घेवर बनके तैयार है। अब इसी तरीके से मैं मेरे सारे घेवर रेडी कर लूंगी। ये देखिए दोस्तों, 3 कप मैदा में हमारे लगभग 6 घेवर बनकर
तैयार है। ये मैंने थोड़ा ब्राउन इसको कम करा है, ये हमने ब्राउन ज़्यादा करा है। ये देखिए दोस्तों ये बनकर तैयार है। अब हम इनके ऊपर चाशनी चढ़ाने के लिए चाशनी बनाएंगे। चाशनी चढ़ाने के लिए हम गैस को चलाते हैं, उसके बाद 2 कप चीनी, ये देखिए दोस्तों 2 कप चीनी और इसमें 1 कप पानी ऐड करेंगे। बस अब इसकी हम लगातार चलाते हुए ये दोस्तों अब इसको चलाते हुए हम एक तार की चाशनी बनाएंगे। ये देखिए दोस्तों ये हमारी चाशनी बनकर रेडी हो गई है। ये अब हम इसको चेक करेंगे। चेक करने के 2 तरीके होते हैं। हम इसकी एक दो ड्रॉप डालेंगे और इसको ठंडा करेंगे। ठंडा करने के बाद इसकी यहाँ पर हम ड्रॉप डाल के अब देखेंगे हम कि ये हुई कि नहीं हुई। ये देखिए एक तार बन रहा है, ये तार बन रहा है, यानी ये एक तार की चाशनी कंप्लीट है। दूसरा तरीका है चाशनी चेक करने का, ये चमचे की सहायता से हम ऐसे लिक्विड को डालेंगे तो ये एक तार निकल के गिर रहा है, यानी ये एक तारीख की चाशनी तैयार है। अब हम इसको ठंडा होने देंगे, उसके बाद हम इसको हमारे घेवर पर चाशनी को चढ़ाएंगे। ठीक है, ये देखिए दोस्तों हमारी चाशनी तैयार है। अब हम इसमें चाशनी चढ़ाएंगे। चाशनी एक जगह नहीं डाली जाती, इस तरीके से डाली जाती है। और हमने एक घेवर नीचे रखा है, एक ऊपर रखा है, ताकि जो अतिरिक्त चाशनी है वो नीचे चला जाए। इसमें क्या है, जाली बनी हुई है, जाली से ये चाशनी नीचे भी चली जाएगी। और इस तरीके से जाली में ये चाशनी चली जाएगी। आप चाहो तो इस चाशनी में इलायची बारीक पीस के और केसर के लच्छे डाल सकते हो। ये देखिए ये चाशनी अपने आप नीचे चली गई। बाजार में रेडीमेड घेवर मिलते हैं बट बहुत कॉस्टली पड़ते हैं। 2 घेवर ही हमें 350 रुपीज़ के मिलते हैं। घर पर बनाने से ये भी फायदा है कि हमें यूँ लगता है कि परिवार वालों के लिए हमने कुछ किया है। ये देखिए ये बनकर रेडी है। अब इसको हम गार्निश करेंगे। गार्निश करने के लिए ये मैंने बादाम की कतरन लिए। आप यहाँ पर पिस्ता की कतरन भी डाल सकते हो। बस इसका जो बैटर बनाते हैं उसमें थोड़ा ध्यान रखना होता है। ये घेवर बनकर तैयार है। अगर आपको पसंद आए ये घेवर तो दोस्तों सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और थैंक यू।